दिल्ली पर ठंड का थर्ड डिग्री टॉर्चर। राजधानी 3 डिग्री के साथ दर्ज कर चुकी है सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान। दिल्ली पिछले 3 दिनों से जबरदस्त ठंड की चपेट में है। बुधवार को सर्दी ने तोड़ा था 110 साल का रिकॉर्ड। न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री और अधिकतम तापमान 9.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। दिल्ली में कल भी दर्ज हुआ था 4 डिग्री का न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग का अनुमान, रविवार को 2 डिग्री तक गिर सकता है पारा। ठंड और कोहरे की रेलवे पर जबरदस्त मार। आज भी 26 रेलगाड़ियां लेट, 12 ट्रेनों को कैंसिल किया गया। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में बत्ती हुई गुल। कई इलाकों में लग रहा है बिजली का कट। कोहरे की वजह से कई पावर प्लांट्स पर नहीं पहुंच पा रहा है कोयला। बिहार में आरा के बाद ब्रह्मपुत्र बेल में चलती ट्रेन में छेड़छाड़। खुद को बचाने के लिए चलती ट्रेन से कूदी युवती। आरा के अस्पताल में चल रहा है इलाज। चलती ट्रेन में छेड़छाड़ करने वाला एक आरोपी पकड़ा गया, दूसरा अभी भी फरार। गिरफ्तार रमेश कुमार जम्मू कश्मीर राइफल्स का जवान है। दार्जिलिंग में ब्रह्मपुत्र मेल पर सवार हुई थी पीड़ित लड़की। वारदात के चश्मदीद ने रेलवे पुलिस में दर्ज कराया मामला। असम के लखीमपुर जिले में सीआरपीएफ के जवान ने वर्दी पर लगाया दाग। मानसिक रूप से परेशान महिला से रेप के आरोप में गिरफ्तार। एक आरोपी जवान अभी भी फरार। असम के चिरांग में रेप की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार नेता को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला। 60 साल के विक्रम सिंह ब्रह्म हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ कोऑर्डिनेटर। रेप के खिलाफ कानून सख्त करने पर आज राज्यसभा की स्थायी समिति की बैठक। महिलाओं की सुरक्षा पर होगी बात। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी बैठक में बुलाए गए। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने की रणनीति तैयार करने के लिए केंद्र की भी आज उच्च स्तरीय बैठक। अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अत्याचार पर होगी चर्चा। गृहमंत्री शिंदे करेंगे बैठक की अध्यक्षता। गैंगरेप के बाद बने सियासी माहौल पर कांग्रेस में माथापच्ची। कांग्रेस कोर ग्रुप की भी आज बैठक। महिलाओं की सुरक्षा पर एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पूर्व आईएएस प्रोमिला शंकर ने दाखिल की थी अर्जी। महिला अपराध के एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रेप के आरोपी सांसदों और विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग करने वाली अर्जी पर होगी सुनवाई। दिल्ली में गैंगरेप की शिकार लड़की के लिए लंदन में प्रार्थना। संसद और पुलिस अधिकारी भी हुए शरीक। दिल्ली को सुरक्षित बनाने की मांग। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स ने की दिल्ली गैंगरेप पर बात। कहा बहादुर की लड़की बेहद गलत हुआ उसके साथ। गैंगरेप के खिलाफ मुंबई में कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने निकाला कैंडल मार्च। हजारों लोग हुए मार्च में शामिल। दिल्ली में गैंगरेप की शिकार लड़की के लिए बेंगलुरु में कैंडल मार्च। पीड़ित के लिए हुई इंसाफ की मांग। मध्य प्रदेश सरकार बलात्कार के मामले में 1.5 से 2 महीने में दिलाएगी आरोपियों को सजा। जबलपुर हाईकोर्ट की सहमति से सरकार ने लगाए फैसले पर मुहर। डीएसपी या उससे ऊपर की महिला अधिकारी करेगी मामले की जांच। दिल्ली गैंगरेप कांड में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट। 302 और 360 समेत 11 धाराओं में कसा शिकंजा। कड़ी सुरक्षा के बीच कल शाम साकेत कोर्ट में डीवीडी और पेन ड्राइव के शक्ल में आरोप पत्र दाखिल। दिल्ली के साकेत कोर्ट की अदालत में दाखिल हुई 33 पन्नों की चार्जशीट। आरोप पत्र में नाबालिग आरोपी शामिल नहीं। 5 जनवरी को चार्जशीट पर संज्ञान लेगी अदालत। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा मामला। सरकारी वकील की बंद कमरे में सुनवाई की मांग। सील कवर में रहेगी चार्जशीट। जिद्दू छोड़कर किसी को भी नहीं देखने दिया जाएगा लड़की और उसके दोस्त का नाम। सरकारी वकील ने कहा बचाव पक्ष को भी बगैर लड़की और उसके दोस्त के नाम के ही दी जाएगी चार्जशीट।
आरोपी राम सिंह के नाखून से मिले खून और त्वचा का हिस्सा पीड़ित के डीएनए से मेल खाया, फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। एमके स्टालिन होंगे करुणानिधि के सियासी वारिस, एक समारोह में करुणानिधि ने कहा मेरे बाद कौन के सवाल का जवाब है स्टालिन, करुणानिधि के छोटे पुत्र हैं स्टालिन। नई औद्योगिक नीति को लेकर मुंबई में मचा बवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों पर भड़के नारायण राणे। एनसीपी को किसानों से उद्योगों के लिए अधिग्रहित जमीन को घर बनाने के लिए देने पर एतराज, मुख्यमंत्री ने कहा एससीजेड यानी कि सेस का मामला नहीं। झारखंड में गहरा सकता है सियासी संकट, मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा जेएमएम के साथ 28 महीनों में सत्ता हस्तांतरण की नहीं हुई थी बात, संकट सुलझाने पर 10 जनवरी को है दोनों दलों की बैठक। वाइब्रेंट गुजरात अभियान के तहत 8 जनवरी को नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे डायमंड कार, हीरा जड़ित कार में 65 किलो चांदी और 3 किलो सोना लगा है। रेप मामले में बाड़मेर पुलिस ने दिखाई रिकॉर्ड तेजी, 8 दिन के अंदर दाखिल की चार्जशीट, पुलिस की मुस्तैदी बनी नजीर। त्रिवेंद्रम प्रिंसिपल सेशन कोर्ट ने बलात्कार के केस में सुनाई मौत की सजा, नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद कर दी गई थी हत्या, 6 महीने में जज ने सुनाया फैसला। बिहार के सिवान में ग्राम पंचायत ने लड़कियों पर लगाई पाबंदी, जींस पैंट पहनने और वेस्टर्न आउटफिट पहनने पर लगा दी गई रोक। औरंगाबाद की मटपा पंचायत का तुगलकी फरमान, छात्र छात्राओं के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर लगाई रोक। देश में बढ़ रही है फास्ट ट्रैक अदालतों की मांग, लेकिन छत्तीसगढ़ में बंद हुई 31 फास्ट ट्रैक अदालतें, केंद्र से बंद हुआ वेतन तो राज्य सरकार ने भी खींच लिया हाथ। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 52 पुलिस इंस्पेक्टर्स का किया ट्रांसफर, दिल्ली में कानून व्यवस्था चुस्त करने की है ये कोशिश। दिल्ली के जखीरा में लगी भीषण आग, कई झुग्गी झोपड़ी सुहा, रात 12 बजे लगी थी आग, दमकल की 9 गाड़ियों ने बुझाई आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गाजियाबाद में पकड़ा गया लग्जरी गाड़ियां चुराने वाला गिरोह, गिरोह के पास से 8 गाड़ियां बरामद, गिरफ्तार हुए 6 लोग। दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर ही मांग रहा है इंसाफ, 3 दिन पहले गाजीपुर के पास हुआ था सब इंस्पेक्टर भीम सिंह पर हमला, परिवार वालों का आरोप, सीमा विवाद में उलझी हुई है पुलिस। मुंबई क्राइम ब्रांच ने नकली ड्राइविंग लाइसेंस और सर्टिफिकेट बनाने के गिरोह का किया भंडाफोड़, 3 लोग हुए गिरफ्तार। कोलकाता में करो या मरो के मुकाबले में टीम इंडिया की शर्मनाक हार, दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने 85 रनों से हराया, पहला मैच हारकर टीम इंडिया ने गवा दी थी सीरीज। 251 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 165 रनों पर ही आउट हो गई टीम इंडिया, फ्लॉप रहे दिग्गज बल्लेबाज, नाबाद 54 रन के साथ धोनी रहे टॉप स्कोरर। पाकिस्तान की जीत में हीरो रहे ओपनर नासिर जमशेद, 106 रनों की पारी के लिए मिला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, जमशेद भारत के खिलाफ 3 मैचों में लगातार 3 शतक बना चुके हैं। हार के लिए धोनी ने फोड़ा बल्लेबाजों पर ठीक रहा कहा, टॉप 3 बल्लेबाजों में किसी को लंबी पारी खेलनी होगी। पाकिस्तानी कप्तान मिस्बाह ने पूरी टीम को दिया श्रेय, कहा ओपनर्स ने बेहतरीन पारी खेली, सभी गेंदबाज भी रहे निशाने पर, मिस्बाह ने खासतौर पर जुनैद और अजमल की तारीफ। अमेरिका में थमा नहीं है नए साल का जश्न, सैकड़ों लोगों ने कड़ाके की ठंड में समंदर में लगाई डुबकी। नए साल के पहले दिन चीन में मनाया गया बतौर नेशनल विंटर स्विमिंग डे, महिलाओं ने भी लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। लंदन में ट्रेन किराया बढ़ाने का अनोखा विरोध, बैंड बाजा बजाकर सरकार से जताया विरोध।
पाकिस्तान में तेल का संकट बढ़ा, हफ्ते भर से बंद पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन, जहां तहां खड़ी हुई हैं गाड़ियां। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का दावा, ड्रोन हमले में मारा गया तालिबानी आतंकवादी मुल्ला नजीर।